नमस्कार मित्रों, आइए मित्रों आज हम लोग अध्ययन करते हैं एन एस्ट्रोलॉजर डे का जो शेष पार्ट रह गया है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसका इस लेसन का मैंने दो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू मैंने हिंदी एक्सप्रेशन इसका अपलोड कर दिया है। इस वाले में जो शेष बचा है हम उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक स्टडी कर चुके थे हम लोग, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मित्रों मैं पार्ट टू वाली वीडियो का एक समरी बता देता हूँ। मैंने इसमें क्या बताया था, उसमें यह था कि जो अजनबी था वो ज्योतिषी के पास आया और बहुत मोल भाव करके कि मैं सही बताऊंगा तो मैं इतना पैसा लूंगा, तो उसने कहा कि नहीं मैं इतना दूंगा। बहुत मोल भाव होते उनसे बात निश्चित हो जाती कि नहीं ठीक है मैं प्रति क्वेश्चन इतना दूंगा, और जब वहां देखना प्रारंभ करता है तो सारी बात बताने लगता है ज्योतिषी। उसको बताता है कि तुम्हें एक बार चाकू मार दिया गया था, फिर तुम्हें कुएं में धकेल दिया गया था, तुम्हारा नाम गुरनायक है। इतना सुनते ही वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि ज्योतिषी तो वही व्यक्ति था जिसने उसे छुरा मारा था और कुएं में धकेल दिया था, तो वह ज्योतिषी था। तो ज्योतिष सारी बात बता दी, तो फिर उसने पूछा कि मैं जो है उसे वह मुझे कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा कि वह अगली दुनिया में मिलेगा। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो जिसे तुम खोज रहे हो वह एक ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया और तुम जो है सुबह अगली बस पकड़ के अपने गांव चले जाओ, क्योंकि मैं एक और दूसरा खतरा, बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ। ये तुम अपने घर से बाहर निकलोगे तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। और उसको एक चुटकी भस्म देता है, कहता है माथे इसको अपने सर पे लगा लो और तुम सैकड़ों वर्ष जियोगे, तुम जो है सुबह अगली बस पकड़ के अपने घर चले जाना। इस प्रकार जो है वह जो अजनबी था वह संतुष्ट होता है, चलो जिसे मैं इतने दिन से खोज रहा था और वह जिस लायक था वैसी मौत भी मरा। आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए यहां से है, और जो वह संतुष्ट रहता है तो उसके बाद से वह चला जाता है। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। कह रहा है कि द प्लेस, वह स्थान जो था वॉज डिजर्टेड, मतलब सूना पड़ गया, मतलब वहां से लोग चले गए थे, जो दुकानदार थे वो सब चले गए। कह रहा कि वह स्थान सूना पड़ गया बाय द टाइम, उस समय तक द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, जब तक जो है एस्ट्रोलॉजिकर ने अपने आर्टिकल्स मतलब अपने सामानों को एकत्रित किया। तो जब तक एस्ट्रोलॉजर ने सामानों को एकत्रित किया मतलब अपने बैग में भरता है उस सारे सामानों को, अपने पिकअप करता है, तब तक वह स्थान क्या हो गया, डिजर्टेड हो गया, मतलब जनविहीन हो गया, मतलब सुनसान हो गया। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और जब तक अपने बैग में रखता है अपने सामानों को तब तो वह पूरा स्थान डिजर्टेड हो जाता है, मतलब सुना पड़ जाता है। द ग्रीन सेप्ट वॉज ऑल्सो गॉन, कह रहा है कि वह ग्रीन सेप्ट जो हरी रोशनी थी वॉज ऑल्सो गॉन, वह भी चली गई थी। कौन सी हरी रोशनी, जिस हरी रोशनी में वह अजनबी के हाथों को देखता है, क्योंकि उसका अपना कोई प्रकाश था नहीं, वह बगल वाला जो मूंगफली वाला था उसी के प्रकाश में अपना काम चलाता था, तो मूंगफली वाला पहले ही चला गया था, तो हरी रोशनी में उसके हाथ को देखता है तो वह हरी रोशनी भी चली जाती। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, कह रहा है कि उस स्थान को अंधेरे में एंड साइलेंस और शांति में छोड़ करके, द एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, एस्ट्रोलॉजर भी रात्रि में चला जाता है, रात के अंधेरे में वह भी चला जाता है। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइंस, सॉरी फिर से देखिए, द ग्रीन सेप्ट वॉज ऑल्सो गॉन लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, कह रहा है कि वो हरी रोशनी जो थी वाज आल्सो गॉन, वो भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, कह रहा है कि उस स्थान को अंधेरे में और शांति में छोड़ करके, लिव मींस छोड़ना होता है। द स्ट्रेंजर, कह रहा है अजनबी, स्ट्रेंजर मींस अजनबी, द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, वो अजनबी भी रात्रि के अंधेरे में वह चला जाता है, वह अजनबी जो ज्योतिषी से अपना हाथ दिखा रहा था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइंस, एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी क्वाइंस दे करके, क्वाइंस मतलब सिक्के, एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी सिक्के दे करके वो जो स्ट्रेंजर अजनबी रहता है वह भी रात के अंधेरे में चला जाता है। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम,
रहा है कि यह जो है लगभग आधी रात हो गई थी, मिडनाइट मतलब आधी रात, व्हेन जब जो है द एस्ट्रोलॉजर रिस्ट होम, एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा, जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और जब वह वहां पहुंचता है तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। डिमांडिंग मतलब मांग करना, मतलब वह उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। ही फ्लंग द क्वाइंस एट हर एंड सेड, उसने जो है जो क्वाइंस थे फ्लंग एट हर, फ्लंग में उछालना, उसकी तरफ उछाल दी, तो उसकी तरफ जो सिक्के थे मिले थे उसको फेंक दिया उसकी तरफ। काउंट देम, उसने कहा कि इन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सारे सिक्के मुझे दिए हैं। 12.5 आनास, कह रहा है 12 और आधा, आधे आना। सी सेड, उसने कहा गिन करके, कहा कितना, 12 रुपए और हाफ आना। सी वास ओवर ज्वाइड, वो बहुत खुश, वह ओवर ज्वाइड थी मतलब अत्यधिक खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, जैगरी मीन्स होता है गुड़। उसने कहा कि मैं जो है कुछ गुड़ एंड कोकोनट और कुछ नारियल कल कल खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मेनी डेज नाउ, कह रहा है कि बच्चा जो है आस्किंग फॉर स्वीट्स, मिठाइयां मांग रहा है फॉर सो मेनी डेज नाउ, कई दिनों से। वह कह रहा है कि मैं जो है कुछ जैगरी और कोकोनट खरीदूंगी क्योंकि बच्चा कई दिनों से मिठाइयां मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर, कह रहा है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज तैयार करूंगी। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, नाइस स्टफ का मतलब अच्छी चीज, अच्छी वस्तु। कह रहा है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज बनाऊंगी, किससे, गुड़ से और कोकोनट से। देखिए, द स्वाइन है चीटेड मी, जब वह काउंट करके उसको बताती है कितना पैसा है तो गुस्से में हो जाता है। कह रहा है कि स्वाइन, स्वाइन मीन्स द सुअर, तो जो जो एस्ट्रोलॉजर है ज्योतिषी, वो कहता है कि द स्वाइन, उस सुअर ने है चीटेड मी, मुझे मुझे ठग लिया। ये प्रॉमिस्ड मी ए रुपी, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, अजनबी ने कहा, सी लुक्ड अप एट हम, सी लुक्ड अप एट हिम, करे वो उसकी उसकी तरफ ऊपर देखी। कौन, एस्ट्रोलॉजर की पत्नी जो है, जब वह कहता है कि सुअर ने मुझे ठग लिया, उसने 1 रुपये देने का वादा किया था, तो उसकी पत्नी जो है अपने पति की तरफ देखती। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई देते हो, व्हाट्स रॉन्ग, उसने कहा कि क्या क्या बात है, उसे कहा तुम चिंतित दिखाई देते हो, क्या बात है। नथिंग, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, सिटिंग ऑन द प्योल, बिस्तर पे बैठे हुए, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, क्या तुम जानती हो कि अ ग्रेट लोड, एक बहुत बड़ा भार, इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, आज मेरे ऊपर से उतर गया। उसने कहा क्या तुम जानती हो कि आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया, अपनी पत्नी से वह कहता है। आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, कह रहा है कि इतने सालों से मैं सोच रहा था मेरे हाथों जो एक व्यक्ति का खून हुआ है। दैट वॉज द रीजन, यही कारण था कि वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही कारण था कि मैं घर से भाग गया। रैन अवे मीन्स भागना। सेटल्ड हियर, यहां पर सेटल हो गया मतलब यहां पर बस गया। एंड मैरिड योर, तुमसे शादी कर ली। ही इज अलाइव, उसने कहा कि वह जीवित है, वह सत्य बताता है कि जिसके लिए मैं घर छोड़कर भाग गया, यहां आया, बस गया, तुमसे शादी की, वह तो जीवित है। सी गैस्ट, यू ट्राई टू किल, गैस मिलता है गहरी सांस लेना, कह रहा है वह गहरी सांस लेती है। कौन, उसकी पत्नी। यू ट्राई टू किल, उसने कहा क्या तुमने मारने की कोशिश की थी। यस, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है यस, हाँ, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, वेन आई वॉज ए सिली यंगस्टर, जब हम एक मूर्ख युवा थे, सिली मीन्स मूर्ख, वी ड्रैंक, हमने शराब पी, गैम्बल, जुआ खेला, एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बुरी तरह से लड़ बैठे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, तो कह रहा है अब इसके बारे में क्या सोचना। इट इज टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय हो गया है।
ही सेड योनिंग, उसने कहा जम्हाई लेते हुए, एंड स्ट्रेस्ड हिम सेल्फ ऑन द प्योल, और अपने आप को उस प्योल में फैला दिया, मतलब फैल करके उस बिस्तर पे सो गया। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद। अगर ये वीडियो वाला देख रहे हो तो आप ये फर्स्ट जो है मैंने ये पार्ट थर्ड है इसका पार्ट वन और पार्ट टू मैंने अपलोड कर दिया है। पूरे वीडियो को मैंने तीन भागों में वीडियो मैंने अपलोड किया है, मेरे प्लेलिस्ट में ये तीनों वीडियो होंगे मित्रों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।